नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यह प्रसंग तब का है जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने। एक दिन वे अपने दरबार में सभी मंत्रियों और गुरुओं के साथ बैठे हुए न्याय का कार्य देख रहे थे। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम बाहर जाकर देखो, कहीं कोई फरियादी न्याय मांगने तो नहीं आया। जब लक्ष्मण बाहर गए तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके सर पर चोट लगी थी और वहां से खून बह रहा था। तब लक्ष्मण ने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ फरियाद करने के लिए आए हो? कुत्ते ने कहा, जी महाराज, मैं भगवान राम के सामने, हमारे राजा के सामने एक फरियाद लेकर आया हूँ, क्या मुझे इस बात का मौका मिलेगा? तब लक्ष्मण ने कहा कि हे कुत्ते, तुम चाहे किसी भी जाति अथवा किसी भी योनि का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भगवान राम के यहाँ न्याय अवश्य मिलता है। यहाँ किसी की रोक टोक नहीं है, इसलिए तुम बेडर होकर, निडर होकर उनके सामने जाकर अपनी बात कहो और बताओ तुम्हें क्या न्याय चाहिए। तब कुत्ता भगवान राम के सामने पहुँचा और उनसे बोला कि हे राजन, मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूँ। राजा राम बोले कि हे कुत्ते, तुम निडर होकर बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? जो तुम बोलोगे वैसा ही होगा, यह मैं वचन देता हूँ। तब कुत्ते ने बोला कि हे प्रभु, मैं सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण के यहाँ रहता हूँ और वह ही मेरा स्वामी है। आज अकारण ही उसने मुझ पर अपने डंडे से वार किया जिससे मेरा सर फट गया और मुझे अत्यधिक पीड़ा हुई, मेरा रुधिर भी बह रहा है। हे प्रभु, आप न्याय कीजिए और मुझे न्याय चाहिए। आप पता कीजिए कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। यह बात होने पर राम ने अपने सैनिकों को भेजकर सर्वार्थ सिद्ध नामक उस भिक्षुक ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। उस ब्राह्मण के आने पर राम ने बोला कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे बताओ कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा, इसका कारण क्या था, क्या इसका कोई दोष था अथवा इसने कोई पाप किया था जो आपने इस कुत्ते को इस प्रकार से मारा? यह कुत्ता मेरे यहाँ न्याय मांगने के लिए आया है, मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था। तब सर्वार्थ सिद्ध नामक उस ब्राह्मण ने बोला कि हे प्रभु, यह मेरा ही कुत्ता है, मैं इसका स्वामी हूँ। आज मैं जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो मुझे भिक्षा नहीं मिली और मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा था। यह कहकर ब्राह्मण बोला कि प्रभु, जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो यह कुत्ता बीच मार्ग पर बैठा हुआ था। जब मैंने इसे हटने के लिए कहा तो यह बगल में हटकर एक बेढंगी जगह पर जाकर खड़ा हो गया, जिससे मुझे क्रोध आया और मैंने इसको डंडे से पीट दिया। हे प्रभु, मुझे क्रोध के कारण यह सब करना पड़ा, इसलिए आप जो भी दंड देंगे मुझे वह स्वीकार्य होगा, क्योंकि राजा के द्वारा दंड देने पर व्यक्ति नरकगामी नहीं होता और नरक जाने से बच जाता है, इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। तब भगवान राम ने सभी दरबारियों और गुरुजनों से पूछा कि आप बताइए इस ब्राह्मण को इस कार्य के लिए क्या दंड देना चाहिए। तब राम के दरबार में उपस्थित भृगु, अगीरथ, कुस्य, वशिष्ठ और कश्यप इत्यादि जो ऋषि बैठे हुए थे, इसके अतिरिक्त और भी विप्रजन बैठे हुए थे, ज्ञानी जन बैठे हुए थे, उन्होंने सर्वसम्मति से एक ही स्वर में कहा कि दंड के रूप में ब्राह्मण अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए राजन इसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया जा सकता, इसके अतिरिक्त अन्य किसी दंड पर आप विचार अवश्य कर सकते हैं। तब कुत्ते ने बोला कि हे प्रभु, हे भगवान राम, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही कीजिए। तब राम ने कहा कि बताइए क्या करना है। कुत्ते ने कहा कि प्रभु, जब मैं यहाँ आया था तो आप ही ने बोला था कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा, इसलिए मुझे यह वचन दिया है तो इसका न्याय भी मुझे ही करने दीजिए। भगवान राम ने जब उसकी इजाज़त कुत्ते को दे दी तो कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ एक कालंजर देश है जहाँ पर एक मठ है, मेरी विनती है कि इस ब्राह्मण को आप उस मठ का, कालंजर देश के मठ का मठाधीश बना दीजिए। जब सभी दरबारियों ने यह फैसला सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि जिस ब्राह्मण ने कुत्ते को मारा, डंडे से पीटा, जिसका रुधिर बहा और उसे कष्ट हुआ और वह अभी भी दर्द सहन कर रहा है, उस कुत्ते ने उस ब्राह्मण को दंड न देते हुए पुरस्कार दे दिया,
क्योंकि किसी जगह का मठाधीश बनना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, यह तो उसके लिए ऐश वाली बात होगी। तब राम ने ऐसा ही किया और उस ब्राह्मण को उस कालंजर देश का मठाधीश घोषित कर दिया और उसे हाथी पर बैठाकर वहां के लिए रवाना कर दिया। तब सभी दरबारी जो कि बड़े ही चतुर थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान राम की ओर देखा और उनसे कहा कि प्रभु यह क्या रीति है, यह हमारी समझ में नहीं आई। तब भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले कि हे मंत्रियों, इसके बीच पीछे भी एक भेद है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। यह भेद मैं नहीं बताऊंगा, अपितु इस भेद को स्वयं कुत्ता ही बताएगा। तब राम के आदेश पाकर कुत्ते ने बताना शुरू किया कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं कालंजर देश का मठाधीश था। मैं उस मठ में पूरी निष्ठा और स्वामी भक्ति के साथ कार्य करता था। मैं वहां का कुलपति था। मैं जो भी धन आता था उसे सही कार्यों में लगाता था। पूरे न्याय के साथ मैं वहां शासन करता था। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति वेतन पर थे, मैं उन्हें सही प्रकार से वेतन दे के कार्य लिया करता था। लेकिन फिर भी मठाधीश होने के कारण मुझे इस बार कुत्ता की योनि में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, जब मैंने सभी कार्य सही प्रकार से किए, न्यायपूर्वक किए, फिर भी मुझे अधोगति मिली और मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। फिर यह ब्राह्मण तो मूर्ख है, अज्ञानी है, यह तप करने वाला नहीं है, यह ब्राह्मण का कार्य करने वाला नहीं है, क्रोधी है, अन्यायी है। समझिए, जब यह कुलपति बनेगा, यह कालंजर देश का मठाधीश बनेगा, तो अगले जन्म में इसका क्या होगा, इसकी कितनी अधोगति होगी। यह तो माता के साथ जन्म और पिता के साथ जन्म, यानी कि 7 पीढ़ियां माता की और 7 पीढ़ियां पिता की, उन्हें नरक में अवश्य लेकर जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, उसके माता और पिता दोनों की ही पीढ़ियां नरक को भोगती हैं। ऐसा कहकर कुत्ते ने बताया कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति देवताओं का धन, ब्राह्मण का धन, बच्चों को दिया हुआ धन अथवा स्त्री को दिया हुआ धन छीन लेता है, उसका उपयोग करता है, उनसे मांगे बिना उनसे छीनकर उसका उपयोग करता है, वह नरकगामी ही होता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को देवताओं के धन पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के धन पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उनका परिणाम अत्यंत ही भयानक होता है। हे प्रभु, मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी, परंतु मठाधीश होने के कारण उस देवघर के धन का उपयोग करता था, मैं अच्छा अच्छा खाता था और मेरे पास नौकरों और चाकरों की कोई कमी नहीं थी, जिन्हें मैं वेतन उसी धन में से दिया करता था। हे प्रभु, इसी कारण मेरी अधोगति हुई और उस अधोगति के कारण ही मैं कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु, मैंने दंड के स्वरूप उस ब्राह्मण को वहाँ का मठाधीश बना दिया, क्योंकि वह मूर्ख, अज्ञानी ब्राह्मण, क्रोधी और लालची स्वभाव का है। इसलिए वह वहाँ का मठाधीश बनकर उस धन का उपयोग अवश्य करेगा और जिसके कारण वह अत्यधिक अधोगति को जाएगा। कुत्ते का ऐसा न्याय देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कुत्ते को विदा किया। दोस्तों, यह कथा वाल्मीकि रामायण से ली गई है। आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।